राज्यसभा चुनाव का रण भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में बीजेपी और आरएलपी के 58 विधायक शामिल हुए। आपको बता दें कि महामंत्री मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद रहे। राज्यसभा प्रत्याशी राजेंद्र गहलोत, ओमकार सिंह लखावत भी शामिल हुए और बैठक के बाद विधायकों को होटल में ही शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, भाजपा के विधायक दल की अहम बैठक हुई, इसके अलावा क्या फिलहाल एजेंडा बनाया गया है इस बैठक में? देखिए जेती, 19 जून को प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब प्रदेश की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस चुनाव से डर कर आपसी मनमुटाव के चलते अपने विधायकों की खेमेबाजी या क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है, वो आरोप लगा रही थी, लेकिन अब खुद भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी हो चुकी है। तमाम जो बीजेपी के विधायक थे, जो आरएलपी के विधायक हैं, उनको होटल जो सीतापुरा स्थित एक होटल है उसमें शिफ्ट किया गया। मैं आपको बता दूं जेती, आज सुबह भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में करीब 1 दर्जन विधायक नदारद रहे और जब बैठक में तमाम नेताओं का संबोधन हुआ उसके बाद में बीजेपी ऑफिस से ही सीधे विधायकों को लग्जरी बसों में बिठाकर होटल के लिए शिफ्ट किया गया और थोड़ी देर पहले ही विधायकों को वहां पर शिफ्ट किया गया है। और अब जब तक चुनाव मतदान होगा, राज्यसभा चुनाव का जो मतदान होगा, तब तक इन विधायकों को होटल में ही रखा जाएगा और इस दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि चिंतन शिविर है हमारा, हमारी बाड़ेबंदी नहीं है। हालांकि नेता बाड़ेबंदी को नकार रहे हैं, लेकिन जैसे कांग्रेस अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करके तमाम जो संगठन के जो काम है वो कर रही, उसी प्रकार बीजेपी भी ये दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाड़ेबंदी है, सेंधमारी का डर है। जो माहौल, जो सियासी माहौल बना है, उसके चलते विधायकों को शिफ्ट किया गया है और इस दौरान जो चुनाव मतदान का जो प्रशिक्षण है वो भी करवाया जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में बाड़ेबंदी की राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में है, वहीं बीजेपी के विधायक भी, अब जो आरएलपी के समर्थक जो विधायक हैं समर्थित, वो उनके साथ बाड़ेबंदी में है। और इस दौरान जो तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो तमाम रणनीति को लेकर इनके साथ चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, महज 3 दिन बचे हैं अब चुनावों के लिए और दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार अपनी रणनीति को बनाने के लिए कमर कस ली गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।